ललितपुर में दिनांक 19 फरवरी को अंजनी माता मंदिर के पास सिर कुचला हुआ युवक का शव मिला, जिसकी हत्या बहुत ही निर्मम तरीके से की गई थी। पुलिस ने बड़ी ही सूझबूझ से इस अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश किया, साथ ही हत्यारोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बेग ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर अंधे हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्यारोपी गोपी तथा मृतक दोनों ने ही मंदिर में पूजा पाठ किया। किसी बात पर उन दोनों का झगड़ा हो गया और गोपी ने अपने साथी के सिर पर पत्थर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्यारोपी गोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने इस अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश करने वाली टीम को 10,000 रुपये नकद इनाम दिया है। 19 तारीख में थाना मैनोरी अंतर्गत एक मंदिर के बाहर दुकान में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जहां पे उस व्यक्ति को सर में चोट थी और उसकी डेथ हो गई थी। FIR दर्ज की गई थी और तत्कालीन पुलिस ने इसमें एक्शन में अपना काम शुरू कर दिया था। इसमें टीमें गठित की गई थी और आज इसमें अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया है और ये इकबाल ने बताया है कि वो दोनों ही साथ आए थे और मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद जब बाहर शाम हो गई तो एक स्थान पर लेटे और कुछ कहन सुनन हुई। किसी बात को लेके अभियुक्त ने गुस्से में आके एक पत्थर से उसके सर पे वार किया, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। ये व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है और इनका नाम है गोपी पुत्र हल्लू, निवासी चौकी के इकबार मैरोनी। इकबाल जुर्म किया है और इसको हम लोग जेल भेज रहे हैं। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिन टीम ने खुलासा किया है, अभी तो गिरफ्तार किया है, उसको नगद धनराशि से 10,000 रुपये का इनाम देके प्रोसीड किया।